أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو, मैं हूँ मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन. दोस्तों, हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है और आज उस सीरीज़ का हमारा 9वां लेक्चर है. दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस सीरीज़ से ज़रूर फ़ायदा उठा रहे होंगे और इस सीरीज़ से ज़रूर सीख रहे होंगे. दोस्तों, हमारी जो पिछली 2 से 3 क्लासेस गुजरी हैं, वो हम इकोनॉमिक्स के बहुत अहम टॉपिक डिमांड और सप्लाई और इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे और इस ज़िमन में जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने सीखे. आज की इस क्लास 9 से हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सप्लाई एंड डिमांड, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटीज. दोस्तों, इलास्टिसिटीज से मुराद लचक है, लचक से मुराद डिमांड में तब्दीली है, सप्लाई में तब्दीली है, प्राइस में तब्दीली है, क्वांटिटी में तब्दीली है. और जब किसी भी एक आइटम में तब्दीली का असर दूसरे आइटम पर पड़ता है तो उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं. दोस्तों, आज की ये क्लास शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर क्या चीजें कवरअप की थी. दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी इक्विलिब्रियम शिफ्ट की, कि कैसे हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होता है when our demand or supply is changed, जब वो increase होती है या decrease होती है तो हमारा जो equilibrium level है वो भी change हो जाता है with the change of demand and supply. दोस्तों, इससे कोई 8 combination बनते हैं और वो 8 के 8 graphically मैंने आप लोगों को दिखाए और समझाया कि कैसे एक पॉसिबिलिटीज के अंदर हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाता है. इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या रोल अदा करती है इन इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट, मार्केट का इक्विलिब्रियम बरकरार रखने के लिए. उसमें गवर्नमेंट जो है वो 2 स्ट्रेटजीज यूज करती है, जिसको हम प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग कहते हैं. प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग के ऊपर विद इन डिटेल मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि प्राइस सीलिंग और फ्लोरिंग क्या होता है. ना सिर्फ ये बताया था कि ये क्या होता है, बल्कि ये भी बताया था कि इन दोनों में फर्क क्या होता है. यहां तक तो थी दोस्तों हमारी पिछली क्लास. आज की क्लास में जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये भी रिलेट करता है हमारी डिमांड और सप्लाई के साथ, जिसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं. दोस्तों, आज की क्लास में हम ना सिर्फ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन को देखेंगे बल्कि उसकी जो मुख्तलिफ अकसाम हैं उनको भी देखेंगे. अब उनकी अकसाम के साथ जो रिलेटेड कैलकुलेशन या एग्जाम्पल्स हैं उनको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आखिर में आप लोगों को एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी, जिससे मुझे ये पता चल सके कि आपको ये इलास्टिसिटीज वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया है. तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि इलास्टिसिटी जो है बेसिकली होती क्या है. इलास्टिसिटी इज अ टर्म वाइडली यूज्ड इन इकोनॉमिक्स टू डिनोट द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन एन अदर वेरिएबल. अब इससे
मुराद ये है कि ये जो टर्म है ये इकोनॉमिक्स के अंदर यूज की जाती है, और इसका मतलब ये है कि जब हमारे किसी एक वेरिएबल के अंदर तब्दीली आती है तो उसका जो इफेक्ट है वो दूसरे वेरिएबल पर क्या पड़ता है, इस को शो करने के लिए या जो इसका रिस्पॉन्स होता है उसको दिखाती है, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इन प्रॉपर वर्ड, इट इज दी रिलेटिव रिस्पॉन्स ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन एन अदर वेरिएबल। इससे मुराद रिलेटिव रिस्पॉन्स भी लिया जा सकता है कि जब एक वेरिएबल के अंदर तब्दीली आती है तो उसका जो असर या रिस्पॉन्स है, या दूसरा जो हमारा वेरिएबल है उस वो क्या रिएक्ट करेगा विद द चेंज ऑफ दिस वेरिएबल। जो पहले वेरिएबल के अंदर चेंजेस आई हैं उसका दूसरा वेरिएबल हमें क्या रिएक्शन देगा, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। दोस्तों, इलास्टिसिटी की हमारे पास मुख्तलिफ अकसाम हैं। इसमें चार अहम अकसाम हैं और आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ इनको देखेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि ये जो इलास्टिसिटी की चार मुख्तलिफ टाइप्स हैं इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इसके अंदर हमारे पास जो पहली है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरी जो है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तीसरी है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और आखिरी है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये चार हमारे पास टाइप्स हैं इलास्टिसिटीज की। अब हम बारी बारी इनको देख लेते हैं। तो पहली जो है वो है हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब ये है, ये नाम से ही बल्कि जाहिर है कि हमारी इफ के अंदर दो जो वेरिएबल हैं, द फर्स्ट वन इज द प्राइस एंड द सेकंड वन इज द डिमांड। इसका मतलब ये है कि जब प्राइस के अंदर कोई तब्दीली आती है तो उसके अगेंस्ट डिमांड क्या रिस्पॉन्स देती है, डिमांड क्या रिएक्ट करती है, इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, के हमारी जो डिमांड के अंदर परसेंटेज तब्दीली है उसका प्राइस की तब्दीली पर क्या असर है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। इसको आप दिए गए फॉर्मूला की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें पहला दिया गया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसकी इक्वेशन भी बताई गई है, PED इक्वल्स चेंज परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, कि इसमें ऊपर आपने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड रखना है, नीचे आपने परसेंटेज चेंज इन प्राइस रखना है। इसकी एग्जांपल भी दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है। द प्राइस ऑफ गुड राइज फ्रॉम 70 to 80, के किसी एक शेयर की जो कीमत है वो 70 से 80 हो गई है, एंड द क्वांटिटी डिमांड इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 2800 to 2600, और उसकी जो डिमांड है जैसे ही प्राइस जो है वो बढ़ी है तो उसकी जो डिमांड है वो 2800 से कम होकर 2600 रह गई है। अब दोस्तों, अगर हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है कि क्या परसेंटेज के अंदर इसकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, तो वो हम इसी फॉर्मूला की मदद से कैलकुलेट करते हैं। अब उसके अंदर हमें तो जो वैल्यूज हैं वो परसेंटेज के अंदर दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल के अंदर वैल्यूज दी गई हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है। तो हम इसको परसेंटेज चेंज सबसे पहले निकालेंगे। वो निकालने के मुख्तलिफ तरीके हैं, हर बंदा मुख्तलिफ तरीके से निकाल सकता है। इसमें एक तरीका ये भी है कि आपकी जो पहली वैल्यू है उसमें से आप दूसरी वैल्यू माइनस करें और फिर उसको तकसीम कर दें पहली वैल्यू के साथ, तो आपकी परसेंटेज चेंज आ जाएगा। दूसरा तरीका जो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं वो ये है कि आप
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अगर फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें देखें पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू और डिवाइडेड बाय पहली वैल्यू जमा दूसरी वैल्यू और डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां पे देखें पहली वैल्यू 2800 है, हमारी क्वांटिटी डिमांड माइनस 2600 हमारी दूसरी वैल्यू है, और उसके बाद पहली वैल्यू जमा दूसरी वैल्यू 2800 जमा 2600 डिवाइडेड बाय 2। अब जब हमने इसको फर्दर कैलकुलेट किया तो 2800 में से 2600 गया वो हमारा 200 बच गया, और 2800 जमा 2600 और डिवाइडेड बाय 2 तो ये हमारे पास 2700 आ गया। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास जवाब जो है वो 7.41 आ गया, और ये परसेंटेज के अंदर आ गया है कि इतने परसेंट चेंज आया है हमारी क्वांटिटी डिमांड के अंदर जो कम हुई है। अब हमने परसेंटेज चेंज इन प्राइस की बात करनी है कि कितने परसेंट हमारी प्राइस जो है वो बढ़ी है। अब उसको भी कैलकुलेट करने का वही तरीका है, 80 माइनस 70 और 80 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां पे हमारे पास 10 आ गया और डिवाइडेड बाय 75 आ गया मल्टीप्लाई बाय 100 तो जवाब जो है हमारे पास 13.33 आ गया, 33% आ गया। अब देखें हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड ये फर्स्ट वाली आ गई, परसेंटेज इन प्राइस ये हमारे पास सेकंड वाली आ गई। तो ये देखें हमने पीईडी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 7.41% डिवाइडेड बाय 13.33%, तो हमारे पास जो जवाब है वो 0.56 आ गया। तो ये हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। आगे जो हमारी सेकंड टाइप थी वो थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा ये बिल्कुल उसका अपोजिट समझ लें, वो है सप्लाई। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई, कि आपकी जो क्वांटिटी सप्लाई है उसके अंदर तब्दीली विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और फिर आपकी वही प्राइस में तब्दीली। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम वैसे ही है, सिर्फ फर्क ये है कि ऊपर पहले हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड था, वहां पे हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है, और डिवाइडेड बाय वही परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसकी एग्जांपल भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, इफ स्टोर रेंट इज 650 पर मंथ एंड सप्लाई इज 1000 यूनिट, व्हेन द रेंट इंक्रीजेस 700, जब हमारा रेंट बढ़ जाता है पर मंथ तो हमारी सप्लाई जो है वो भी बढ़ गई है इनटू द मार्केट। और यही हमने लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर पढ़ा था कि जैसे चीजों की कीमतें बढ़ती हैं या रेट बढ़ता है तो हमारी जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाती है। दोस्तों अब इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, हम सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी फाइंड करेंगे सप्लाई की, वो कैसे है। हमने इधर लिखा 1000 माइनस 1300 और फिर नीचे 1000 जमा 1300 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हमारे पास माइनस 300 और डिवाइडेड बाय 1150 आ गया, और इसको जब हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास माइनस 26.09 आ गया। इसके बाद हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस फाइंड करेंगे, वो हमारा पहले 650 था माइनस 700 डिवाइडेड बाय 650 जमा 700 और डिवाइडेड बाय 2 तो ये हमने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 50 और डिवाइडेड बाय 675 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय जब 100 किया तो ये हमारे पास माइनस 7.40 आ गया। अब दोनों वैल्यूज आ गई ही हैं तो हम फार्मूला के अंदर पुट कर सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर माइनस 26.09 और डिवाइडेड बाय 7.40%, तो ये हमारे पास जो जवाब है वो 3.52 आ गया। तो ये हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। इसके बाद दोस्तों अगली जो हमारे पास टाइप है वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखा, ये हमारी इनकम के साथ रिलेट करती है।
वो क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि जब हमारी एक तो डिमांड तब्दील होगी, दूसरी हमारी इनकम तब्दील होगी। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको भी कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला है ऑलमोस्ट। आपने सिर्फ ऊपर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और नीचे परसेंटेज चेंज इन इनकम। एग्जाम्पल आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, लेट सपोज द एवरेज रियल इनकम ऑफ द कस्टमर फॉल फ्रॉम 6,000 टू 4,000, के हमारी 6,000 से आमदनी जो है वो कम होकर 4,000 रह गई है, तो हमारी जो फूड की कंजम्पशन है वो 500 यूनिट से कम होकर 400 यूनिट हो गई है। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 6,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 6,000 जमा 4,000 और तकसीम 2 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको हमने 2,000 तकसीम 5,000 किया है और मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया, और इसका जवाब जो है वो 40% आ गया। ये है हमारी परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसी तरह अगर हमने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड करनी है तो वो हमारा 500 माइनस 400, ये हमारा 100 आ जाएगा, 500 जमा 400 900 और तकसीम 200, तो ये हमारा 450 आ जाएगा। तो 100 तकसीम 450 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा जवाब 22.22% आ गया। अब दोनों वैल्यूज आ गई हैं, तो हम इसकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 40% डिवाइडेड बाय 22.22%, तो ये हमारा जवाब जो है वो 1.80 आ जाएगा। ये है हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आखिरी जो है दोस्तों वो हमारे पास बच जाती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये क्रॉस का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल एक ये जो क्रॉस आपको लोगों स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये रेड कलर में भी है और ब्लैक कलर में भी, ये बिल्कुल इसी तरह रिएक्ट करती है कि आपकी एक चीज और फिर दूसरी चीज। यहाँ पे बताया भी गया क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ स्पेसिफिक गुड विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ एन अदर रिलेटिव गुड, कि आपकी एक चीज की कीमत की तब्दीली का असर आपकी दूसरी चीज की क्वांटिटी डिमांड पर पड़ता है, तो इसको हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो दोस्तों ये जब एग्जाम्पल करेंगे तो फिर आपको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की समझ आएगी। उसमें क्या है, उसमें फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर गुड्स ए, कि आपकी गुड ए की डिमांड के अंदर जो तब्दीली आती है वो परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स बी, के बी के अंदर आपकी वो प्राइस के अंदर तब्दीली आती है, तो इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। एग्जांपल आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है कि हमारी क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ए, अब यहाँ पे प्रोडक्ट ए और बी है, यहाँ पे आप यूं समझ लें कि आपकी एक तरफ गंदम है दूसरी तरफ चावल है, कि अगर एक चीज की प्राइस के अंदर तब्दीली आती है तो आपकी दूसरी चीज की डिमांड में तब्दीली आती है। अगर गंदम के रेट बढ़ जाते हैं तो लोग चावल खाना शुरू कर देते हैं, उसकी डिमांड में ऑटोमेटिकली तब्दीली आ जाती है, तो इसको हम क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज के अंदर ही वैल्यू दी गई हैं। द क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ए हैव इंक्रीज बाय 12% इन रिस्पॉन्स टू द 15% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी, कि आपकी जो प्रोडक्ट ए है वो वही समझ लें कि आपके चावल हैं, और जो प्रोडक्ट बी है वो आपकी गंदम है, कि आपकी गंदम की जो प्राइस है वो 15% इंक्रीज हो रही है, और इससे क्या हुआ है, आपकी जो चावल की डिमांड है वो 12% बढ़ गई है। अब इसकी आप इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो हम वही क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वैल्यूज हमें दी हुई हैं, हम परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए वो हमारे पास है 12%, और प्रोडक्ट बी की जो प्राइस के अंदर तब्दीली है वो है 15%, तो हमारा जो जवाब है वो 1.0 आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने इलास्टिसिटीज के ऊपर बात की, उसमें हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखी, उसमें हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखी, फिर हमने प्राइस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा, और फिर आखिर के अंदर ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा।
तो हम आज की क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों अब जल्दी से आप अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें क्यों, और इसके ऊपर ये एक्सरसाइज जो अभी मैं आपको देने वाला हूँ वो आप जल्दी से राइट डाउन कर लें, और उनकी आज की क्लास के अंदर ये जो आपने इलास्टिसिटी सीखी हैं ये आपने कैलकुलेट करनी है। एक्सरसाइज आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, द प्राइस ऑफ गुड्स इज राइजेज फ्रॉम 100 टू 110 एंड द क्वांटिटी डिमांड इज डिक्रीजेज फ्रॉम 3800 टू 3000 यूनिट, फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला जो क्वेश्चन है आपने उसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है। अगला क्या है, अ सप्लायर इज सप्लाइड RF 10,000 यूनिट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट एट RF 150, सडनली द प्राइस गोज अप, कि हमारी 10,000 यूनिट सप्लाई करता है 150 रेट के ऊपर, हमारी जो प्राइसेस हैं वो सडनली बढ़ जाती हैं। द सप्लायर अनएबल टू मीट द डिमांड ऑफ द मार्केट, और उस सप्लायर से उसकी डिमांड पूरी नहीं होती मार्केट की, लेकिन वो सप्लायर विल प्रोवाइड 15,000 यूनिट, वो 15,000 यूनिट भेजता है मार्केट के अंदर एट RF 200 200 के ऊपर, तो आपने इसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करनी है। और थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, कंसीडर द एवरेज रियल इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीजेस फ्रॉम 30,000 टू 40,000। एक मुलाजिम है, उसकी जो आमदनी है वो 30,000 से 40,000 हो गई है। द स्पेंडिंग ऑन क्लॉथ इज आल्सो इंक्रीजेस, उसके कपड़ों पर जो अखराजात हैं वो भी बढ़ गए हैं। पहले वो 5 सूट खरीदता था, अब वो 10 सूट खरीद रहा है। आपने क्या करना है, फाइंड आउट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपने इसकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है। इसके बाद आखिरी है, द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ पैक ऑफ सिगरेट फ्रॉम 100 टू 300। सिगरेट की जो कीमत है वो 100 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। मोस्ट ऑफ द पीपल लीव द सिगरेट एंड इंक्रीज द यूज ऑफ फ्रूट, और बहुत सारे लोगों ने जो है वो सिगरेट छोड़ के वो फ्रूट्स की तरफ आ गए हैं। पहले वो 100 किलो जो है वो पर मंथ फ्रूट का इस्तेमाल करते थे, अब वो 300 किलो पर पहुंच गया है। हमने इसके अंदर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों ये है हमारी आज की एक्सरसाइज, जल्दी से आप नोट कर लें और फिर आप इसको अगली क्लास में आने से पहले पहले सॉल्व भी कर लें, और अगर आपको कोई इशू आता है इसको सॉल्व करने में तो आप मुझे कमेंट करके वो पूछ भी सकते हैं। दोस्तों हम अपनी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे और जल्दी से हम समराइज कर लेते हैं कि आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा क्या है। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने अपनी बात शुरू की है इलास्टिसिटीज़ के ऊपर, हमने मुख्तलिफ उसकी अकसाम देखी हैं और उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं इस बारे में पढ़ा है, और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स की मदद से मैंने आपको वो कैलकुलेट करना भी सिखाई हैं, और आखिर में आप लोगों को एक एक्सरसाइज दी है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स की ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आप यकीनन इस सीरीज से फायदा उठा रहे हैं और सीख रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आपने लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक दीजिए, ताकि मैं और अच्छे लेक्चर आप लोगों के लिए इसी तरह बनाता रहूं। दोस्तों और मेरा चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली इकोनॉमिक्स की क्लास में, उस वक्त तक के लिए मोहसिन भाई को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।